हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न सब्जेक्ट्स को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कंप्यूटर के पॉपुलर कोर्सेस हैं जैसे CCC, O-Level, A-Level, पॉलिटेक्निक्स, BTECs, उनके सिलेबस को समझाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन को सेलेक्ट करिए, आप बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, डे बुक। तो अगर आप कोई छोटा या बड़ा व्यवसाय करते हैं तो आपको एक डे बुक बनाना होता है। अगर मैनुअल डे बुक की बात करें तो हम लोग एक रजिस्टर, एक कॉपी, एक डायरी, एक लेजर परचेस करते हैं और हम लोग डेट वाइज अपने रिसीप्ट और पेमेंट के डिटेल को उसमें लिखते हैं। इससे मुझे ये स्थिति पता लगती है कि हमने किस तारीख को कितना खर्चा किया, कितना पाया और हमारी ओपनिंग बैलेंस क्या है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये हमें पता लगता है। तो यहाँ हमें डे बुक खुद नहीं बनाना है, हमारा डे बुक जो होगा वो ऑटोमेटिक एक्सेल जनरेट करेगा। हमें केवल क्या करना है, अपने रिसिप्ट और अपने पेमेंट का डिटेल देना होगा और हमारा डे बुक ऑटोमेटिक मेंटेन होता रहेगा। इसका मैं एक पहले आपको डेमो दिखा दूं। ये मेरा एक डे बुक है। तो इस डे बुक में हम जो भी पेमेंट और रिसीप्ट का एंट्री करेंगे उसका डिटेल यहां आ रहा है। तो आपको ही पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है। तो ये पूरे एक साल का डे बुक है। तो यहां पर बता रहा है कि 1 अप्रैल को वेडनेसडे था, आपकी रिसिप्ट अमाउंट 77,250 है, आपका पेमेंट 93,50 है, आपका उस दिन का बैलेंस जो है वो 1,600 लॉस में है क्योंकि आपका खर्चा ज़्यादा हुआ है और आप भुगतान कम पाए हैं, तो इसलिए बैलेंस में आपको बता रहा है। और यहाँ एक सर्च का भी फैसिलिटी दिया गया है, चूँकि ये डे बुक बहुत बड़ा होगा तो जो डेट मैं यहाँ डालूंगा उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ मैंने 3 शीट बनाया है, रिसिप्ट, पेमेंट और डे बुक का। तो ये रिसिप्ट का आपको डिटेल दिख रहा है, ये समरी है, यहाँ पे पता लगेगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा आया है और किस किस माध्यम से आया है। और यहाँ पर आप कोई भी एंट्री करेंगे तो सीरियल नंबर और डे जो होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा। जैसे मान लेते हैं अप्रैल के 6वें महीने में आपने कुछ प्राप्त किया रकम, ये आपका अप्रैल के 6वें महीने की एंट्री हो रही है, तो ये लिख दिया। जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर एक फीस मिला, तो पर्टिकुलर में फीस लिख दिया। अब आपको यहाँ बताना है कि फीस कैसे मिला, पे फोन से मिला, आपको फीस कितने की आई है, 10,500 की आई है। और ये फीस मान लेते हैं कि ये ओ लेबल का एक कोर्स चलता है, इसके माध्यम से आया है, तो ये एंट्री आपने कर दी। तो ये 6 अप्रैल की एंट्री है। अगर यहाँ आके देखेंगे तो 6 अप्रैल में आपको दिख रहा है कि आपका 10,500 का रिसिप्ट हुआ है। ऐसे हम पेमेंट की बात करें तो अगर हम 6 तारीख में कुछ खर्चा दिखाएं तो खर्चे में मान लेते हैं कि आपने डीजल मंगाया हुआ है और डीजल जो आपने मंगाया है ये कैश मंगाया है, आपने 1,500 रुपये का डीजल मंगाया है और अपने जनरेटर में डालने के लिए मंगाया है, तो 6 तारीख का जो खर्चा हुआ है वो 1,500 है। तो ये इस तरीके से आपको दिखता रहेगा। अगर 6 तारीख की एंट्री आप और कोई करोगे तो वो 6 में उसको जोड़ता जाएगा। ऐसे 4/6/2020 में है, यहाँ मान लेते हैं कि आपने कुछ एडवर्टीजमेंट कराया है, एडवर्टीजमेंट की एंट्री आपकी कार्ड से हो गई, आपने यहाँ पे 5,000 रुपया दिया है और मान लेते हैं कि यादव आर्ट्स को दिया है। आप देखो तो खर्चा 2 हुआ है, 6,500 इनका दोनों का हो रहा है टोटल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 6,500 आपका आ जाएगा। और अगर यहाँ आप कोई डेट लिखते हो जैसे 4
6/2020 का हमें पूरा एक सर्च करना है डेट के हिसाब से, तो यहाँ दिख जाएगा कि आपने कितना रिसीव किया है, कितना पेमेंट किया है, कितना आपका बैलेंस है डे का और पूरा ओवरऑल बैलेंस क्या है, ये आपको दिखा रहा है। तो ये दोस्तों एक ऑटो डे बुक है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। और साथ में ये जो पूरा विवरण है इसके डेटा को अगर आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें अपना ईमेल आईडी आप दे दीजिए, तो हम आपके ईमेल आईडी पे जो ये डिमॉन्स्ट्रेशन का एक्सेल का शीट है वो मेल कर दूंगा, तो वो आपको उतना टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए एक नया हम एक्सेल का शीट खोल लेते हैं। इसमें 3 सीटें बनानी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहली सीट है तो ये हमारी हो जाएगी रिसिप्ट के लिए हो गया। एक सीट और इंसर्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे पेमेंट के लिए। अब एक सीट हम लोग और यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे अपना डे बुक के लिए। तो यहाँ मैंने 3 सीट बना लिया। अब चलिए पहले रिसिप्ट वाले का हम लोग मेकअप करते हैं कि रिसिप्ट की पूरी फॉर्मेटिंग जो है वाउचर की वो मुझे बनाना होगा। तो चलिए यहाँ ऊपर से थोड़ा स्पेस में छोड़ रहा हूँ, अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरा हेडिंग हो गया, यहाँ मान लेते हैं सीरियल नंबर हेडिंग हो गया। अब सीरियल नंबर के बाद में मेरा अगला हेडिंग आ रहा है डे करके, तो यहाँ मैंने डे ले लिया। यहाँ मेरा डेट है तो मैंने डेट ले लिया। यहाँ मैंने लिख दिया पर्टिकुलर, यानी हेड कह सकते हैं इसको आप। आपका पर्टिकुलर में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा डिटेल, इसको बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा डेट का भी चौड़ाई ज़्यादा कर लेता हूँ। पर्टिकुलर के बाद में है रिसिप्ट मेथड। रिसिप्ट मेथड माने आपको कैश मिला, नेट के थ्रू मिला, मेथड क्या है ट्रांजेक्शन का वो डिटेल यहाँ आएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट के बाद में आपको एक नरेशन या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या नरेशन, इसमें थोड़ा आप डिटेल लिखेंगे कि उस सौदे के जांच परख के लिए आप एक कोई लाइन लिख देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सेंटर कर देता हूँ, इसकी साइज़ थोड़ी मैं बड़ी कर लेता हूँ, इसे बोल्ड भी कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए क्या करना है, आप अपने इस हेडिंग वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कम से कम 2 रो और आप सेलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल टी टेबल बनाने का शॉर्टकट की होता है वो आप प्रेस कर दीजिए। टेबल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये पूरा डेटा जो होगा वो एज ए टेबल ट्रीट होगा। इससे बेनिफिट ये है कि कोई भी फार्मूला अगर आप इन दोनों लाइनों में लिखे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ काम करेगा, आपको बार बार वो नहीं लिखना पड़ेगा या ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको बनाया जाता है। यहाँ इस वाले ऑप्शन को चेक्ड कर देंगे, माई टेबल हैज हेडर, और फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा बन के आ गया एक फॉर्मेट टेबल का। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ सीरियल नंबर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एंट्री करूँ, डे को भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एंट्री करूँ। मैं डेट जैसे डालूंगा तो उस डेट का जो डे है वो आ जाए यहाँ पे, और सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ 1 आ जाए। तो जैसे ही डे आएगा वैसे ही सीरियल नंबर आएगा, जैसे ही डेट आएगा वैसे ही डे आएगा। तो चलिए पहले सीरियल नंबर, ऑटो सीरियल नंबर पाने के लिए एक फार्मूला लिखना पड़ेगा, थोड़ा मैं इसे चौड़ा कर लेता हूँ इससे आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ मैंने लिखा इफ़ के बाद इस वाले सेल का रेफरेंस दिया है इक्वल ये, तो मैंने ये जांचा है कि अगर ये सेल एम्प्टी है तो हमारा सीरियल नंबर भी एम्प्टी हो जाएगा, पर अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ हमें ऑटो नंबर चाहिए। तो उसके लिए रो का जो फार्मूला होता है वो वाला मैंने फार्मूला यहाँ पे यूज कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक ऑटो सीरियल नंबर यहाँ पर जनरेट होके आ जाएगा, तो ये चीज आता है। अब अगर आप देखें तो यहाँ डे कोई लिखें, इसे मैंने मंडे लिख दिया, तो यहाँ सीरियल नंबर 1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया सीरियल नंबर के लिए। अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ डेट में लिखूंगा तो डे ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए भी एज इट इज फार्मूला लिखना है। इफ ये जो डेट वाला सेल है इसकी वैल्यू अगर एम्प्टी तो डे भी एम्प्टी,
अन्यथा एक फार्मूला होता है फंक्शन टेक्स्ट, इस वाले डेट का हमें निकालना है क्या, डे निकालना है, और ये वाला मैंने यहाँ पे चला दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे एंट्री करो अप्रैल 1st 2020, तो देखिए यहाँ पर वेडनेसडे और वन आपका आ जाएगा। ये डे सही बता रहा कि नहीं बता रहा, इसको जांचने के लिए चलिए आज की तारीख दे दिया आता है, छठवां महीना है, 28 तारीख है, 2020 है, तो आज संडे है, तो यहाँ संडे आ जाएगा। तो ऐसे आपको डेट लिखना है और उसका यहाँ पे डिटेल आपको ऑटो दिखता रहेगा। तो अभी फार्मूला दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया था, इसे मैं छोटा कर देता हूँ, और इन दोनों सेल को थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाईलाइट ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑटो एंट्री है, हमें यहाँ पे एंट्री नहीं देना होगा। अब मुझे रिसीट मेथड में आना है, तो रिसीट मेथड के लिए आप इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बन जाए, जिससे मैं एंट्री को लिखूँ ना, यहाँ पे क्लिक करने पे जो जो मेथड होते हैं कैश कार्ड पेटीएम वो सारा ड्राफ डाउन में आए। तो इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेटा टैब में जाएंगे, आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा, इसमें डेटा वैलिडेशन को चलाएंगे, ये बॉक्स आएगा, बॉक्स में आपको लिस्ट ले लेना है और यहाँ सोर्स वैल्यू में उन मेथड को लिखना है, जैसे कैश के थ्रू पैसा आ सकता है आपके पास, कार्ड के थ्रू आ सकता है आपको, पेटीएम हो सकता है, आप गूगल पे यूज कर सकते हो लेने या देने के लिए, यहाँ हम नेट बैंकिंग भी ले लेते हैं, ऐसे जो जो माध्यम है उनको यहाँ आप ले लीजिए। तो इससे फायदा ये होगा कि आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये एंट्री आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में टाइम भी नहीं जाएगा और कोई अनवैलिड एंट्री नहीं होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिस्ट को बना दिया है। तो जब ये लिस्ट आपका बन गया तो अभी क्या करते हैं, कुछ एंट्री करके देख लेते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे अप्रैल डेट में मंथ पहले बाय डिफॉल्ट एक्सेल लेता है, हालांकि हम इसे चेंज कर सकते हैं, वो बात की बात है। 1st अप्रैल को हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, स्टेशनरी का कुछ सामान मंगाया और वो सामान मैंने मंगाया है कैश, कैश ले लेते हैं। यहाँ मैंने मंगाया है सामान 275 रुपये का, और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पेन परचेस किए हैं, हम लोगों ने कुछ रजिस्टर लिया है या और कुछ स्टेशनरी है जो परचेज किया गया है। अब चार महीना जो चार है अप्रैल 1st को ही आपका कुछ खर्चा और हुआ है, जैसे आपने डीजल मंगाया हुआ है, डीजल आपने मंगाया है कार्ड के माध्यम से, आपकी डीजल पड़ी है 1500 रुपये की, और ये आपके पास जनरेटर है डीजी सेट है उसके लिए आपने मंगाया है। अब चौथे महीने के 2 तारीख को भी कुछ खर्चा हुआ है, खर्चा ये हुआ है कि आपने रेंट दिया है, रेंट आपने जो दिया है वो पेटीएम के माध्यम से दिया है, आपका रेंट यहाँ पे इतना हो गया है, और ये आपने दिया है मान लेते हैं रमेश कुमार को, तो ये आपने लिख लिया। तो इस तरीके से आपको डेट केवल लिखना होगा, पर्टिकुलर में किस मद में किस हेड में खर्चा हुआ है, मतलब आप प्राप्त किए हैं पैसा ये लिखेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि ये रिसीप्ट का वाउचर है, तो चार महीना है, पहले पहले तारीख को स्टेशनरी के माध्यम से आपने 275 रुपये प्राप्त किए हैं, आपको मान लेते हैं यहाँ मैंने रेट लिख दिया था, यहाँ फीस आपको मिला है 1500 रुपये, ये ट्रिपल सी कोर्स की फीस है, आपको रेंट मिला है, तो ये जो पैसे आपको प्राप्त हो रहे हैं उनकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। अब थोड़ा मैं ऊपर एक डैश बोर्ड बना लेता हूँ जिससे पता चले कि आखिर ये है क्या। तो यहाँ मैं B2 से लेके D2 वाले सेल को सेलेक्ट करके यहाँ मैं मर्ज कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
समरी। तो ये हमारा समरी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम थोड़ा नीचे तक, और यहां पर एक ऑप्शन होता है मर्ज अक्रॉस, ये कर देता हूं मैं। यहां समरी के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंट्रीज कर देते हैं, जैसे यहां पे हमने कर दिया कि ये कौन कौन सा मोड है जिसके माध्यम से पैसा मिल रहा है। तो यहां कैश हो गया हमारा, कैश के बाद हमारा यहां पे कार्ड हो गया, कार्ड के बाद हमारे पास में कौन कौन सा माध्यम है, पेटीएम, गूगल पे, तो यहां पर हमारा पेटीएम हो गया, यहां हमारा गूगल पे हो गया, और यहां हमारा हो गया नेट बैंकिंग। तो मेरी प्लानिंग ये थी कि यहां पर हमारा जो होगा वो समरी लिख के आएगा, और समरी लिखने के बाद में हमारा यहां पर किस मद में कौन सा पैसा हमें मिला है उसकी एंट्री मैं यहां पे चाहता था। तो ये मैंने कर लिया, थोड़ा इसको डेकोरेट कर लिया जाए, या 14 कर लिया है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये ले लिया है, यहां रेड कर लिया है। अब यहां पर ये जो मर्ज मैंने किया है इसको थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, चलिए इसे एक थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहां ले लेते हैं ये। अब इन्हें भी थोड़ा डेकोरेट कर लिया जाता है, डेकोरेट करने के बाद इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इनका आप बना दीजिए यहां पे बॉर्डर, ये बन गया। इनका भी आप कुछ डेकोरेशन अगर पसंद करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका। तो अब मैं यहां पे चाहता हूं कि जो मेरा खर्चा हो रहा है तो कैश के माध्यम से जितना, सॉरी ये रिसिप्ट का वाउचर है, तो मेरे पास जो पैसा कैश से मिल रहा है उसका टोटल यहां पे आ जाए, कार्ड का आ जाए, पेटीएम का आ जाए, और यहां मैं एक बना लेता हूं टोटल रिसिप्ट अमाउंट, टोटल रिसिप्ट अमाउंट, और इसको भी मैं यहां से बॉर्डर बना लेता हूं और इसका फॉर्मेट कॉपी करके इसके ऊपर लागू कर देता हूं। तो यहां हमें एक फार्मूला चलाना होगा, उस फार्मूले में हमें ये पता करना है कि हमें कैश के थ्रू पैसा कितना मिला है। तो इसके लिए आप सम इफ फार्मूला का मदद लेंगे, तो आप पहले सम इफ लिखेंगे। अब सम इफ लिखने के बाद आपको यहां पे देना होगा वो रेंज जहां आप क्राइटेरिया लगा रहे हैं। तो क्राइटेरिया हमारा कैश का है, तो ये हमारा रेंज है, इसी में से वो कैश प्राप्त करेगा। तो इन सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां कामा लगाइए, अब आपका क्राइटेरिया है क्या, कैश, फिर कामा लगाइए, और जो ये अमाउंट वाला सेल है आप इसको सेलेक्ट करके यहां इंटर कर दीजिए। तो अगर आप देखें तो 275 रुपये हमें कैश के द्वारा मिले हैं, तो वो यहां मिल गए। अब इसी को आप पकड़ के यहां से यहां तक खींच दीजिए, थोड़ा इसको भी बेहतर कर लीजिए, जैसे यहाँ 14 कर लिया है, यहाँ ऐसा कुछ लगा लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे कैश के थ्रू 275 मिला है, कार्ड के थ्रू 1500 मिला है, और पेटीएम के थ्रू हमें 7500 मिला है, हमें गूगल पे या नेट बैंकिंग से नहीं मिला है। टोटल के लिए इन सारे अमाउंट का यहाँ से सम का फार्मूला चलाइए और इसका जो पूरा रेफरेंस है वो देके आप इंटर कर दीजिए, तो यहाँ भी आपको टोटल मिल जाएगा कि पैसा आपको टोटल कितना मिला है। तो ये एक रिसिप्ट का मैंने सीट तैयार किया है। अब जैसे एक एंट्री करके और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अप्रैल महीने के दूसरे ही तारीख को
आपका एक एडमिशन हुआ है, फीस आपको मिला है, और फीस चलिए मान लेते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से मिला है, फीस आपकी आई है 12,000 रुपये, और ये ओ लेवल का कोर्स है उसके माध्यम से आया है। तो आप देखेंगे तो 12,000 नेट बैंकिंग से आया है, तो समरी देख के आप ये जान सकते हैं कि टोटल कितना अमाउंट ओवरऑल आपको रिसीव हुआ है, कैश कितना आया है, पेटीएम गूगल नेट बैंकिंग के थ्रू कितना है, वो दिखता रहेगा। तो अब आपको करना यही है कि आपके पास जो जो भी पैसा आता रहे उसके लिए आप इस रिसीप्ट वाले वाउचर में काम करते रहिए। अब थोड़ा यहाँ मैं एक और लेबल बना लूँ कि ये हमारे फर्म का नाम भी लिखा हो और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर वगैरह भी लिखा हो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने इसको मर्ज कर लिया है, और मर्ज करने के बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ रिसिप्ट अमाउंट, आर के साथ इंटर करेंगे तो उसी के ही अंदर एंट्री होती रहेगी, लाइन बदल जाएगा, जैसे ICIT कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर गोंडा, आर के साथ इंटर, फाइनेंशियल ईयर हमारा है 1 अप्रैल 2020 से चलता हुआ 31 मार्च 2021, ये हो गया। अब थोड़ा इसको आप डेकोरेट भी कर लीजिए। तो यहाँ मैं रिसिप्ट अमाउंट वाले को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी थोड़ी साइज बड़ी करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, इसका एक कलर ले लेता हूँ, फिर यहाँ मैं अपने फर्म के नाम को भी थोड़ा बड़ा कर दूँ, और इसका जो अलाइनमेंट है ये सेंटर कर दूँ, इसके ऊपर बॉर्डर लगा दूँ, इसका भी एक बैकग्राउंड कलर कोई ले लेते हैं ये। तो ये एक तैयार हो गया आपका रिसीप्ट। अब फ्रेंड्स आपको इसी ही तरीके से पेमेंट के लिए काम करना है, तो पेमेंट के लिए आपको मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है ये एज इट इज पेमेंट के लिए जाएगा, बस जहां जहां हेडिंग रिसीप्ट लिखा हुआ है वहां आपको पेमेंट कर देना है। तो जब ये मेकअप हो जाए तो इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है एक्सेल का, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे, पेमेंट वाले सीट में आएंगे और पहले A1 वाले सेल पे रख के कंट्रोल पेस्ट कर देंगे तो ये पूरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें करना क्या है कि खाली इनका जो रिसिप्ट वाला था इसे पेमेंट कर देना है। तो यहाँ लिखा हुआ था रिसिप्ट अमाउंट, तो यहाँ मैं कर देता हूँ पेमेंट अमाउंट एक चेंजेस, फिर यहां पर मैं कर देता हूं पेमेंट, ये दूसरा चेंजेस, और इसमें जो कैप्शन लिखा हुआ है ये, तो केवल आपको ये चेंज कर देना है। और अब ये वाला जो एंट्री था ये हमारे रिसिप्ट के लिए था, इसको मैं हटा देता हूं, इस फाइल को मैं सेव भी कर लूं। अब आप यहां पे खर्चे की एंट्री करेंगे, तो 4 अप्रैल 2020 को आपने मान लेते हैं डीजल मंगाया है, डीजल आपका आया है कैश 1500 रुपये का डीजी सेट। तो यहां जो आप एंट्री कर रहे थे वो रिसीव का था, जैसे मान लेते हैं कि आपने स्टेशनरी बेचा, यहां खरीदा नहीं है चूंकि रिसीव का है 275 का, आप जो प्राप्त करने वाला रकम है वो यहां लिखेंगे, जो खर्चे वाला रकम होगा वो यहां लिखेंगे। तो 4 1
2020 को आपने रेंट दिया है, रेंट आपने दिया है कैश 5,000 रुपये, जिसको दिया है उसका रेफरेंस लिख सकते हैं। फिर 4-2 में ही आपका खर्चा हुआ है एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट की आपका पेटीएम के थ्रू भुगतान हुआ है 4,500 रुपये का, यादों 8। तो ऐसे जो जो खर्चे आपके हो रहे हैं उन खर्चे की एंट्री आपको यहां पे करनी होगी, और ये पूरे साल भर का पूरा डे बुक बन रहा है। तो आप साल भर में जो भी खर्चा करेंगे, जो भी प्राप्त करेंगे, उसके डिटेल को यहां पे लिखना होगा। ऐसे ऑफिस एक्सपेंसेस चाय वगैरह आता है, कैश ये हो गया 550, ये हो गया। तो ये आप जो लिखोगे उसका समरी भी यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा रिसीप्ट का, हमें जिस जिस हेड से पैसा आ रहा है उसके डिटेल लिखेंगे, यहाँ समरी भी मिल रही है, और ये पेमेंट का हो गया। अब फ्रेंड हमें डे बुक बनाना होगा, और डे बुक बनाने के लिए भी हम एक फॉर्मेट पहले तैयार कर लेते हैं। तो फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम फिर यहीं से चलते हैं। तो डे बुक में सबसे पहला कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर, फिर हो जाएगा आपका डेट, डेट के बाद हो जाएगा आपका डे, फिर हो जाएगा आपका रिसीट अमाउंट, रिसीप्ट अमाउंट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसके कॉलम के चौड़ाई को। रिसीप्ट अमाउंट के बाद में आपका हो जाएगा पेमेंट अमाउंट, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। पेमेंट अमाउंट के बाद में हो जाएगा बैलेंस ऑफ डे, बैलेंस ऑफ डे, ये हो गया आपका। और ये तो डे का बैलेंस हुआ, अब आपका पूरा जो बैलेंस है उसके लिए यहां पे आएंगे। तो इस तरीके से आपको इन्हें करना होगा। थोड़ा इसका डेकोरेशन कर लिया जाता है। सेंटर हो गया, 13 हो गया, बोर्ड हो गया इसका, थोड़ा चलिए ऐसा कुछ कर लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो सीरियल नंबर होगा ये 1 से स्टार्ट होगा, और पूरे एक साल का डे बुक बन रहा है, तो 365 या मे बी 366 दिन होते हैं। तो वो सीरियल नंबर मुझे चाहिए, तो यहाँ आप 1 लिख दीजिए। 1 लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, होम टैब में आपको फिल मिलेगा, फिल के अंदर आप सीरीज में आइए, कॉलम को लीजिए, और यहाँ पर आप 365 या 66 जो भी दिन होते हैं वो लिख के कर दीजिए ओके। तो ये पूरा आपका जो फॉर्मेट है वो 365 तक आपका आ जाएगा। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे डेट लिखना है, तो पहला जो डेट होगा वो अप्रैल का पहला तारीख आएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटो फिल पूरा आपका डेट का हो जाएगा। देखिए 1 तारीख से लेके और 30 अप्रैल तक हो गया, अभी 5वां महीना शुरू हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो डे वाला है यहाँ मैं चाहता हूँ कि ऑटो डे आ जाए, तो ऑटो डे के लिए सिंपल आपको यहाँ इक्वल लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, इस वाले डेट का रेफरेंस दीजिए, और 3 बार इन्वर्टेड कोड में डबल आप ये लिख के ये कर दीजिए, ये वेडनेसडे आ गया और ये आपका पूरा दिन आ गया। अब आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ ब्लैंक पे मत रखिए, आप जहाँ डेटा लिखा हुआ यहाँ रखिए, कंट्रोल ए प्रेस करिए तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। और इसका मैंने यहाँ पे
बॉर्डर भी बना लिया। तो ये आपका एक हो गया काम। अब हमें चाहिए रिसीप्ट अमाउंट। तो रिसीप्ट अमाउंट हमें कैसे चाहिए, ये है 1 अप्रैल। तो रिसीप्ट वाले सीट में आइए, 1 अप्रैल में जो हमारा खर्चा हुआ है वो 1775। तो 1 अप्रैल का जो टोटल भुगतान है वो मुझे लेके आना है। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, सम इफ फार्मूले का सहारा लेना होगा। तो यहाँ हम सम इफ में आएंगे। सम इफ में पहले क्राइटेरिया का रेंज बताते हैं। तो क्राइटेरिया ये डेट है और इस डेट को सर्च कहाँ होना है, रिसिप्ट में। तो आप इक्वल सम इफ ब्रैकेट खोलेंगे और रिसिप्ट वाले बाउचर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ जो डेट की एंट्री है फ्रेंड्स, तो ये आपको पूरी एंट्री को सेलेक्ट करना है। अगर ये फॉर्मेट नीचे तक आया है और आपका एंट्री नहीं है तब भी उसको सेलेक्ट करना है, माने वाइट एरिया को नहीं सेलेक्ट करना है। ये टेबल हम लोगों ने इसीलिए बनाया था कि ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग फार्मूला काम करता रहे। ये कर लेंगे और उसके बाद कामा का निशान लगाएंगे। अब आपको बताना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए डे बुक पे आएंगे। क्राइटेरिया आपका हो गया ये डेट, फिर यहाँ कामा लगाएंगे। अब आपको देना है सम रेंज, तो सम रेंज जो होगा वो आपका यहाँ पे है। तो यहाँ सम रेंज हमने दे के इंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पे 1775 रुपया आपका आ गया। अब इसी को आप डबल क्लिक कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ काम करेगा। देखिए हमारा 2 तारीख का देख लेते हैं रिसीप्ट कितना हुआ है। तो 2 तारीख का हमारा रिसीप्ट जो हुआ है वो 19,500 हुआ है। तो यहाँ 19,500 हमारा आ रहा है। तो ये हमारा रिसीप्ट अमाउंट काम कर रहा है। ऐसे ही हम लोग पेमेंट के लिए भी फार्मूला सम इफ का चलाएंगे। तो यहाँ इक्वल किया, सम इफ किया, सम इफ के लिए रेंज, पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में आने के बाद जो ये डेट वाला एरिया है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ कामा लगाएंगे, फिर डे बुक में वापस जाके इस डेट को क्राइटेरिया बनाएंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर पेमेंट वाले एरिया में जाएंगे और पेमेंट वाले के अंदर इसको सेलेक्ट करके आप इंटर कर देंगे। तो ये 1500 रुपया आ गया। 1 तारीख को खर्चा क्या हुआ था, 1500। 1 तारीख को 1500 हुआ था। ये 2 तारीख के खर्चे हैं, ये खर्चे 10,050 तक गए हैं। तो यहाँ पर आप इसका डबल क्लिक मार दीजिए तो देखिए ये 10,050 आ रहा है। तो इस तरीके से अब आपको ये पता चल जाया करेगा कि उस पर्टिकुलर डेट में टोटल रिसीप्ट कितना हुआ था और कितना खर्चा हुआ था, ये डेट वाइज आपको पता लगता रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ बैलेंस पता करना है कि हमारा बैलेंस क्या है। तो इक्वल का निशान लगाएंगे और रिसीप्ट वाले सेल को लेंगे और पेमेंट को लेंगे। तो यहाँ हमारा 275 रुपया उस दिन का ये बता रहा है, आप क्लिक कर दीजिए तो ये डे वाइज बता रहा है। अब यहाँ हमें बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये पहला डेट है तो इस जो 275 होगा यही ही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम जो फार्मूला चलाया था बैलेंस ऐप डे के लिए वो चला देंगे। पर यहाँ फ्रेंड्स अभी आपको यहाँ पर डबल क्लिक नहीं करना होगा, क्योंकि इसके नीचे हमें एक और फार्मूला चलाना होगा। क्योंकि इस बैलेंस का मतलब ये हुआ है कि पिछले वाले बैलेंस को लेके वो ऐड करता रहेगा। तो यहाँ इक्वल का निशान लगाना है आपको। इक्वल का निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर लेना है EF, ये इसको ले लेंगे, क्योंकि ये आपका बैलेंस था पहले। फिर प्लस का निशान लगा के आप इसको लेंगे, फिर माइनस का निशान लगा के आप इसको लेंगे। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये आपका 97,725 जो है ये क्लोजिंग बैलेंस है। और इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये नीचे तक आपकी एंट्री आ जाएगी। तो ये आपका बन गया डे बुक का। अभी कुछ एंट्री और करके देख लेते हैं कि यहाँ डे बुक में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए रिसीप्ट में आए, 4th महीने के 5 तारीख को हमें प्राप्त हुआ पैसा। क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ तो फीस ही मुझे मिल रही है, फीस हमें मिला है। फीस जो हमें मिला है
वो पेटीएम से मिला है और फीस जो आई है वो 4500 आई है। ये हमारा टैली का कोर्स है उसके द्वारा है। फिर 4 तारीख को ही और मुझे फीस मिला है। ये फीस मुझे नेट बैंकिंग के माध्यम से मिली है, 1245 रुपये ये CCC कोर्स के लिए मिला है। तो अगर आप देखें तो आपका जो 5 तारीख है इसमें आपको टोटल 5745 रुपये मिला है। तो डे बुक में अगर आप आएंगे तो 5745 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपके पास बैलेंस 15470 का हो रहा है। ऐसे अगर आप पेमेंट का कोई एंट्री करते हैं, चौथे महीने के 3 तारीख को आपका खर्चा मान लेते हैं सैलरी का है, सैलरी आपने दिया है मान लेते हैं नेट बैंकिंग से आपने 4500 की सैलरी दी है, आपने मान लेते हैं सैलरी दिया है मोहन को, यहाँ मैंने मोहन लिख दिया, तो 3 तारीख का 4500 रुपये, तो 3 तारीख का जो है वो 4500 रुपये खर्चा हुआ है। तो इस तरीके से आपका एक डे बुक बन गया। ये ऑटो डे बुक है, आपको इस डे बुक में कोई छेड़खानी नहीं करना है। आप केवल रिसिप्ट और पेमेंट शीट पे जाएंगे, अपने सौदे को एंट्री करेंगे और ये डे बुक आपकी ऐसे मेंटेन होती रहेगी। तो ये बात है। चलिए थोड़ा सा इस डे बुक को भी बेहतर कर लेते हैं, इसका स्क्रीन थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, एक सर्च वाला भी हमें बनाना है उसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके मैं मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज में मैं लिख देता हूँ डे बुक रिपोर्ट, थोड़ा इसको डेकोरेट कर लिया जाए। ये अब आपका जो होगा आगे, यहां पर मुझे डालना है डेट, यहां मैं डेट डालूंगा। तो जो डेट में डालू उसका रिसीव्ड अमाउंट पेमेंट बैलेंस ये हेडिंग मैंने सेलेक्ट किया, यहां पे कॉपी करके इसे पेस्ट कर दिया और यहाँ फॉर्मेट में आके ऑटो फिट कॉलम बिट कर लीजिए। ये हो गया, इसके फॉर्मेट को कॉपी करके इस पे लगा दिया जाए और इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसका भी बॉर्डर बना दिया जाए। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं यहाँ पे एक कोई डेट इंटर करूँगा तो उस डेट से जो मैच होगा डेट हमारे डे बुक में, उस डेट की स्थिति यहाँ आ जाए कि रिसिप्ट अमाउंट क्या है हमारा, पेमेंट अमाउंट क्या है, बैलेंस अमाउंट क्या है, उस दिन का हमारा बैलेंस क्या है, ये आए। तो यहाँ मैं डेट लिखूंगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा हमारा डेटा। तो यहाँ हमें वी लुकअप चलाना पड़ेगा। वी लुकअप फंक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका उद्देश्य ये होता है कि कोई एक रेफरेंस वैल्यू देते हैं, एक टेबल में जाके वो मैच होता है और वहाँ के करस्पॉन्डिंग कॉलम की वैल्यू को हम लेके आते हैं। तो करना क्या होगा, आपको अपने इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा। ये पूरा 365 जो डे है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नेम बॉक्स में आके इसका एक नाम दे दीजिए डे बुक। अब ये नाम दे दिया मैंने, यहां चलाएंगे वी लुकअप। अब आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो ये है B4, तो यहां B4 देंगे और B4 देने के बाद इस सेल को हमें यहां लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने का मतलब ये फार्मूला जो है मैं उठा के इनमें भी पेश करूंगा सब में, तो वो रेफरेंस सेल हो जाएगा। लॉक करने के लिए एब्सोल्यूट सेल बनाना पड़ेगा, तो F4 आप प्रेस कर दीजिए, ये एब्सोल्यूट हो गया, ये हो गया, ये हो गई लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे क्या है आपका डे बुक, तो आप डे बुक को यहां से ले लीजिए। अब डे बुक के बाद कॉलम कौन सा चाहिए,
ये वन टू थ्री, थ्री वाला कॉलम चाहिए, तो यहां पर हम लिख देंगे थ्री लिख देंगे और कामा यहां पर जीरो लिख देंगे कि एग्जैक्ट मैच करे, ये हो गया। तो देख रहे होंगे आप यहां भी एरर आ गया, चूंकि यहां पे डेट नहीं है, डेट डाल के देख लेते हैं। तो ऐसे चार दो अप्रैल, दो दो अप्रैल का हमें स्थिति देखना है, तो ये 19,500 आ गया। तो अगर डेट नहीं लिखा होगा तो कोई वैल्यू नहीं है तो एरर आ जाएगा। तो एरर को दूर करने के लिए एक इफ एरर फंक्शन होता है, उसको चला लिया जाए, इफ एरर कर लेते हैं। और यहां पर ये लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहां कोई वैल्यू अगर नहीं है तो एरर शो नहीं करेगा। अब इसी को कॉपी करिए, यहां पर पेस्ट करिए, कॉलम नंबर जो तीन था वो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा आपका चार, चूंकि पेमेंट अमाउंट से लाना है। फिर इसी को कॉपी करिए, यहां पर पेस्ट करिए, कॉलम नंबर आपका हो जाएगा पांच। फिर इसी को कॉपी करिए, इसी को यहां पे पेस्ट करिए और कॉलम नंबर आपका हो जाएगा यहां पे सिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आप कोई डेट डालिए तो करके देखिए तो समझ में आएगा। तो यहां मैं डेट डाल देता हूं अप्रैल फर्स्ट 2020। तो देखिए 1775 रुपये रिसिप्ट अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट 1500 रुपये है, 275 आपका बैलेंस, और वो आपका बैलेंस आप द डे दिखा रहा है। इनको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं क्योंकि ये आकर्षण में रहे थोड़ा, ये हो गया आपका। तो अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पर केवल डेट एक कोई देना होगा और उस डेट से मैच करता हुआ आप यहाँ पे एंट्री भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज मैंने बताया है, यहाँ रिसीप्ट और पेमेंट का सौदा आप लिखेंगे, किया क्या गया है। सीरियल नंबर को जनरेट करने के लिए मैंने ये फार्मूला लगाया है, डे के लिए फार्मूला लगाया है, सम इफ का काफ़ी यूज हुआ है, डे बुक में भी सम इफ काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है, और वी लुकअप का भी प्रयोग हुआ है यहाँ पे, डेटा वैलिडेशन का भी प्रयोग करके हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाने का काम किया है। तो दोस्तों जो भी आप शुरुआत में पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं एक्सेल में, तो उस समय हो सकता है वो ना आ रहा हो यूज में कि उसका क्या बेनिफिट है, पर अभी आप देख रहे होंगे कि एक रियल काम में हम लोगों ने सम इफ वी लुकअप का प्रयोग किया। फ्रेंड्स ये आज का मेरा वीडियो था, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाया करे। फ्रेंड्स मैं आज का क्लास यहीं समाप्त।